वो क्वेश्चन है जेई एडवांस 1997 का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 1, 1 माइनस एक्स टाइम्स 2 माइनस एक्स, एक्स 1 टू 2 और 3 माइनस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 2। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आप देखो हमें एक्स का वो वैल्यू बताना है जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है। हम सबसे बढ़िया मेथड जानते हैं, देखो हम फंक्शन का नेचर देख के ही देख लिए कि लीनियर है और क्वाड्रेटिक है, दोनों का ग्राफ बनाने में हम हमें आता है। हम ग्राफ बनाते हैं भैया, देखो ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक, ये आपका है एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक्स वन जो जो ब्रेकेबल पॉइंट है उसको मार्क कर लिया, 1 और 2। क्या कह रहा है, लेस देन 1, 1 माइनस एक्स, देखो एकदम सीधे ऐसे करना, इसको ऐसे कर लिया, ठीक, क्योंकि 1 पे जैसे ही रखेंगे 0 आ गया और जब x 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो ऐसे हमने ग्राफ इसका प्लॉट कर लिया। ये देखो 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स है, इसका माइनस साइन दोनों में से बाहर ले लो तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आएगा। माइनस ना भी लोगे तब भी आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपके ये इक्वेशन मिलेगा। देखो क्वाड्रेटिक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, इसके रूट 1 और 2 दिख रहे थे, ठीक है, ये हमने कर लिया 2 तक। अब क्या कह रहे हैं, 3 माइनस एक्स, देखो जैसा ही एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 2 के लिए 3 माइनस एक्स है तो 2 रखोगे 1, सीधे जंप कर गया भैया, हमने 1 पे सीधे जंप कर गया, ये 1 यहां है ना, ये 1 पे यहां। अब कह रहा है ग्रेटर देन 2 के लिए, देखो इसका स्लोप -1 है, इस लाइन के पैरेलल जाएगा, ठीक है, ये हो गया है ग्रेटर देन 2, 3 पे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि 3 रखते ही 0 आ जाएगा। अब देख लो हमें सिर्फ इस पॉइंट पर एक है शक कि यहां पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, बाकी कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। यहां पे देखो एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो 2 तो पॉइंट एक मिल गया जहां पे फंक्शन ना ही डिफरेंशिएबल है ना ही कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। 1 पे हम चेक कर लेते हैं, 1 पे हमें इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप -1 है। अब ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो 2x - 3 आएगा, और x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूट किया तो -1 आया, इसका स्लोप भी -1 है, इसका तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट मिला जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ 2 ही है वैसा पॉइंट जहां पर फंक्शन नहीं डिफरेंशिएबल है नहीं कॉन्टिन्यूअस है, बाकी सब पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है।